मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं क्या खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं क्या खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं क्या खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। आखिरी बार किस टाइम आपकी बात हुई थी सोनाली जी से? कल नहीं परसों मेरी बात हुई थी, वो जी ऐसे कह रही थी मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ मैंने कहा अभी तू फार्म पे कब आएगी, कहती 27 तारीख को आएंगे। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं क्या खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा हाँ फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी भी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया, अभी वो नहीं रहे। और शाम को 11 बजे बात हुई थी छोटी की, जब बिल्कुल ठीक ठाक थी, और हाँ अमन के साथ बात हुई छोटी के बेटे के साथ, जी वो भी ठीक ठाक, बोली ठीक है बिल्कुल ओके सोई थी वो। 11 बजे अब सुबह फिर भाई के पास मैसेज आया ऐसे, जी। अभी वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनका हार्ट अटैक हुआ है। सोनाली जी के साथ कौन थे वहां पर, मौके पर कौन मौजूद थे? उनकी पीए सुधीर सागवान, जी, तो क्या पीए से आपकी बात हो पाई है? नहीं भाई से ही उसकी जो कुछ बात हुई है वो जी, तो क्या मेरे। पीए की तरफ से कोई ऐसी अपडेट की कोई, जिस तरह से आप बता रहे हो कि सोनाली जी की तबीयत खराब थी, उनको पहले ही महसूस हो रहा था कि उनके साथ कुछ हुआ है? फीवर फीवर था जैसे, वो उतर गया था। हाँ फिर माँ को ऐसे कहने लगी भी, मेरे को मेरे शरीर के ऊपर गड़बड़ लग रही है कुछ, जैसे कोई और कुछ कर रहा होगा। तो क्या किसी के ऊपर कोई शक या कोई संदेह उन्होंने बताया कि किसके ऊपर? ऐसे कोई बात नहीं। चलिए, फिलहाल की अगर बात करें तो अभी मौजूद हैं उनके फार्म हाउस पर, जहां पर उनकी बहन हमारे साथ है, जिनका कहना है कि कल उनकी माता जी से बात हुई थी, सोनाली जी की उनकी माँ से बात हुई थी, उस समय उनका कहना था कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको खाने में कुछ गड़बड़ है, और जिस वजह से उनका पूरा शरीर जो है उनका साथ छोड़ रहा है, धीरे धीरे कहते कि सच छोड़ गया है उनका शरीर जो है, हाथ पांव पूरी तरीके से जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब कल आज सुबह सीधा यही एक खबर निकलकर सामने आई कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैम आपको क्या लगता है कि क्या एक नेचुरल डेथ है या फिर कुछ किया गया है उनके ऊपर? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता। जी चलिए, अभी तक की फिलहाल खबर जो है यही निकलकर सामने आई है, और जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही बात आई थी कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन अभी एक खबर निकलकर सामने आई है कि उनके शरीर में उनको ये हल्का सा एहसास हो रहा था कि शायद जो है कुछ गड़बड़ है। एक दिन पहले यानी आज सुबह की जो है खबर आई है कि उनका देहांत हो चुका है, लेकिन कल की अगर बात करें, कल जब सोनाली जी ने अपनी माता जी से बात की, तो उनका कहना था कि उनको कुछ गड़बड़ जैसा महसूस हो रहा है, कि शायद उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है। तो अभी जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है तब तक किसी भी प्रकार की पुष्टि हम नहीं कर सकते। मैम कब तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा? अभी जा रहे हैं जैसे भाई गोवा, जी तो पता नहीं कल आए, ऐसे मेरे को पता नहीं कुछ। चलिए, हम सब की तरफ से मैं भी आपको मैम यही कहूंगी कि आप हिम्मत रखिए, सांत्वना आप लोगों के साथ हमारी है, और भगवान से भी हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहां भी रहे खुश रहे। यशोधरा को क्या पता चल चुका है इस बारे में अभी तक? नहीं, यशोदा को कुछ नहीं पता अभी तक। जी वो कहाँ पर है अभी? स्कूल में, अपने स्कूल में ही है? विद्या देवी जिंदल स्कूल में। जी, VDJS में पढ़ती हैं, जो ये सोनाली जी की बेटी है यशोधरा फोगाट, वो VDJS स्कूल में पढ़ती है, वही हॉस्टल में रहती हैं, और अभी तक उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो अभी भी हॉस्टल में है। और अगर बात की जाए सोनाली जी के पार्थिव शरीर की, तो यहां से जो है उनको लेने के लिए निकल चुके हैं, कुछ नहीं पता, कंफर्म नहीं है कि किस समय तक वो उनको लेके आ पाएंगे, क्योंकि गोवा में उनकी शूटिंग चल रही थी, वहां पर ही वो थे, वहीं पर उनका देहांत हुआ है। फिलहाल की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अभी हम मौजूद हैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस के ऊपर, जहां पर उनकी बहन हमारे साथ है, परिवार के कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। मैम आप क्या लगते हैं सोनाली जी के? हम तो पड़ोसी हैं जी इनके। अच्छा, पड़ोसी हैं। हाँ जी। वैसे अगर बात करूँ तो सोनाली जी से आपका उठना बैठना होगा, किस तरह का स्वभाव कैसा था उनका? अच्छा था। आप लोगों के साथ अच्छा था? हाँ जी।